नमस्कार दोस्तों, HL के नोटिफिकेशन के साथ आप सभी का स्वागत है। HL का एक नोटिफिकेशन आप सभी के सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये HL जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पर आपको मौका मिलने वाला है एरोप्लेन बनाने का। दोस्तों, आपको HL अवसर देना चाहता है एरोप्लेन बनाने का, तो आप कंप्लीटली इस नोटिफिकेशन को सुनिएगा। इस नोटिफिकेशन का नेचर कैसा है और इस नोटिफिकेशन का पैटर्न्स कैसा है, चाहे वो पैटर्न्स एज लिमिट को लेकर के हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के हो, चाहे रिटेन टेस्ट को लेकर के हो, है ना, सारे वो पैटर्न्स हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइड में ही थोड़ा सा दोस्तों मानस वगैरह हो रहा है, जिसके वजह से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। देखिए, इस नोटिफिकेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन का सबसे पहला पार्ट है कि इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर टेन्योर बेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो HL में नोटिफिकेशन आया है ना, ये नोटिफिकेशन है आपका टेन्योर बेसिस पे। तो टेन्योर बेसिस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं कि जब भी इससे पहले भी HL में रिक्रूटमेंट आया था ना, वो टेन्योर बेसिस पर ही आया था। टेन्योर बेस का मतलब होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही सर्विस के लिए मौका दिया जाएगा, और इनका जो टेन्योर बेसिस का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 4 इयर्स का होता है, 4 साल का होता है। यानी कि आगे इन फ्यूचर अगर इस प्लांट में कोई भी ऐसा दिक्कत आता है जहां पर इनका प्रोडक्शन को लेकर के प्रोडक्शन इनकी डाउन चलती है, तो ये आपको उस केस में निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ये अपने सिक्योरिटी बेसिस पे इस प्रकार की वैकेंसी, इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकालते हैं, ताकि आप ये दावा ना कर सको कि आप हमें परमानेंट रूप से, ये हमें सर्विस आपने दिया, आपने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो परमानेंट बेस पर था, आप ये दावा ना कर सके। लेकिन आप इस चीज का दावा कर सकते हैं, अगर इस प्लांट में 4 साल के बीच में कोई सा भी दिक्कत होता है, चाहे उस प्लांट के प्रोडक्शन में, रिपेयरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो जीरो प्रोडक्शन हो, लेकिन फिर भी 4 साल से पहले आपको नहीं निकाल सकती है, है ना। तो इस चीज को देखिए, सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा पॉइंट है, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि HL है, ये नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आती है। और इसमें देखिए, इसके टोटल 20 प्रोडक्शन प्लांट है ना, और जिसमें से 11 जो है वो अनुसंधान विकास केंद्र है ना, डेवलपमेंट सेंटर है। और यहां पर देखिए, जो HL है ना, ये काम क्या क्या करती है, ये काम करती है डिजाइनिंग का भी, डेवलपमेंट का, और मैन्युफैक्चर का काम करती है, इसके साथ में रिपेयरिंग का। किस चीज का, ये एसेसरीज बनाती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एरो इंजन्स हो गया, है ना, इंडस्ट्रियल एंड मैरिन गैस टर्बाइन्स हो गया, इसके पार्ट बनाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या बनाना है, ये वैकेंसी कर्नाटक का है, और कर्नाटक में जो प्लांट है ना, वहां पर बनता है हेलीकॉप्टर के पार्ट, हेलीकॉप्टर के एसेसरीज, तो आपको हेलीकॉप्टर बनाने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है। देखिए, इसका सबसे पहला पैटर्न आता है कि इसमें क्वालिफिकेशन और ये वैकेंसी कितने संख्या पर आई हुई है। तो ये वैकेंसी देखिएगा, ये वैकेंसी है आपका फिटर। सबसे पहले हम ITI ट्रेड पर बात करेंगे, तो ITI ट्रेड वालों के लिए, ITI विद्यार्थियों के लिए, इसमें फिटर का जो ट्रेड है ना, फिटर का जो ट्रेड है, इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो है, वो कितने हैं, 29 पोस्ट पर ही वैकेंसी आई है, और एस पर कैटेगरी अलग अलग पोस्ट की, अलग अलग पोस्ट पर ये वैकेंसी है। यानी कि UR के लिए है 12, OBC के लिए 8, SC के लिए 4, ST के लिए 2, और EWS के लिए 3, और PWD के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इनको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए ना जो एरोप्लेन के पार्ट एसेसरीज बना सके, जिसके फिजिकल पार्ट्स ठीक नहीं होंगे तो वो इस प्रकार का काम करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए PW का यहाँ पर कोई सीट नहीं है। और क्वालिफिकेशन देखिएगा, बड़ा सिंपल और साफ सुथरा इनका क्वालिफिकेशन है, है ना। क्वालिफिकेशन में इन्होंने रखा कि NSE, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट है, और साथ में बिना ITI किए हुए 3 साल का आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, और ना ही इसमें कोई स्किल टेस्ट होने वाला है। इसका एग्जाम इतना ईजी और सिंपल होने वाला है, आपको भी दोस्तों देख करके आपका भी दिल खुश हो जाएगा। पहली बात कि क्वालिफिकेशन 10+ NSE होना चाहिए, और दूसरी बात 10+ आपके पास NCTVT, इसका मतलब होता है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। आपने फिटर से, आपने आपका जो फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड का आपके पास NTC होना चाहिए, है ना। NCVT वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। NTC ट्रेड्स, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब इसी के साथ में देखिए इलेक्ट्रीशियन का भी जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो भी सेम है, लेकिन इनका जो पोस्ट है ना वो 9 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसी के साथ में एडमिन देखिएगा, यहाँ पर एडमिन असिस्टेंट का है वो टोटल है 4 पोस्ट और एनी डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, है ना, फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इनका जो क्राइटेरिया है ये क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अकाउंटेंट्स का भी है 2 पोस्ट पर और बीकॉम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और सिविल का है ना, यहाँ पर सिविल का भी देखिए 1 पोस्ट पर है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 9 पोस्ट है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इस प्रकार का कोई ट्रेड है जो आपने डिप्लोमा में किया हुआ है, इन ट्रेडों से आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। टोटल 9 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है ना। और इसी के साथ में देखिएगा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए टोटल 2 पोस्ट, ये भी डिप्लोमा मैकेनिकल ट्रेड से है, और असिस्टेंट आईटी डिपार्टमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये भी डिप्लोमा से ही है ना, तो आप इस फॉर्म को भरिएगा जरूर। देखिए जो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है ना, ये क्वालिफिकेशन कोई बहुत यानी कि सीधा सीधा क्वालिफिकेशन है ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर देखिए जब किसी भी फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसके पैटर्न्स को समझना जरूरी होता है, उसके जो भी नियम, जो भी शर्तें होते हैं ना, उनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट कहा गया है, सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास सर्टिफिकेट है पार्ट टाइम्स का, है ना, कोरेस्पोंडेंसी या फिर डिस्टेंस एजुकेशन, ई लर्निंग क्वालिफिकेशन, इस प्रकार का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है ना, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, विल बी नॉट अप्लाई, है ना, आप इसको फॉर्म, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास हायर क्वालिफिकेशंस है वो भी ऐसे पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपने आईटीआई की, सॉरी आपने डिप्लोमा किया है, आप चाहते हैं कि हम आईटीआई में फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि आईटीआई में वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप इस ऐसा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं तो आप डिप्लोमा ट्रेड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के द्वारा ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आईटीआई ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशंस थी जिन्होंने, उन्होंने इन सभी चीज़ों को मेंशन किया है। अब अगला देखिएगा 3 पॉइंट है एज लिमिट को लेकर के, है ना, तो एज लिमिट इनका बड़ा ही शानदार है, वो है कितना आपके पास है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, और काउंटिंग कब से कब किया जाएगा, वो किया जाएगा 1 मई 2023 तक, आप इस डेट के अकॉर्डिंग एज को काउंटिंग किया जाएगा, है ना, और अलग 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 उसके अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी है, 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पर देखिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और वहीं पे 3 साल का एज में छूट मिल रही है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, है ना, और यहीं पर पीडब्ल्यूडी के लिए भी है कुछ 10 वर्ष का, है ना, 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन, तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखिए, इनका ये वैकेंसी भले ही कर्नाटक का है लेकिन इनका जो अलग यूनिट है ना, दूसरे स्थानों पर जो इनकी यूनिट है, तो अगर वहाँ पर ज़रूरतें बढ़ गई, वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया, रिपेयरिंग बढ़ गया, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है एम्प्लॉई की भी ज़रूरत बढ़ेगी, तो आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये तो टाइम के अकॉर्डिंग ही इसको कोई कह सकता है, पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर बात जो है ना ये इन्होंने क्लियरली रखा है। और ये हमने टेन्योर बेसिस क्या है ये तो हमने समझ ही लिया है। इसी के साथ में देखिएगा कि पे स्किल का क्या रोल होता है, पे स्किल भी बड़ा शानदार है इनका, स्टार्टिंग में ही देखिए आपको बेसिक दे रहे हैं कितना, ये स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक दे रहे हैं 22,000 रुपए, और जितने भी अलाउंसेस होते हैं, चाहे वो डियरनेस अलाउंसेस हो, चाहे वो एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे अदर बेनिफिट्स अलाउंसेस हो, वो सारे के सारे अलाउंसेस आपको स्टार्टिंग में ही दिए जाएंगे। जैसे कि आप यूपी पीसल को ले लीजिए, यूपी पीसल में देखिए 1 साल या फिर 2 साल स्टार्टिंग में ट्रेनिंग बेस पर रखते हैं, और ट्रेनिंग बेस पर जब रहते हैं आप, तो आपको फुल सैलरी नहीं मिलता है, और आपको ये सारे अलाउंसेस भी नहीं दिए जाते हैं, है ना, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अलाउंसेस दिए जाते हैं, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही आपको सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो ये आईटी वालों का ये है और ये अदर डिग्री के लिए है, ठीक है ना। और इसी के साथ में जो भी आपका एनुअल इंक्रीजमेंट होगा सैलरी में, चाहे वो पर ईयर हो, चाहे पर 3 ईयर हो, वो बेसिक सैलरी का 3% है, बेसिक सैलरी का 3% बढ़ोतरी होगा आपके बेसिक सैलरी में से, है ना,
यानी कि जो सैलरी है इसमें बढ़ोतरी होगा 3% हर साल या फिर हर 3 साल। इसी के साथ में देखिएगा 6 पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए पूरा गेम किस पे टिका हुआ है, सिलेक्शन पे। अगर आपका सिलेक्शन होगा तभी ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये आपके काम के लायक होंगी। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सिंपल साइन का सिलेक्शन प्रोसेस है। द सिलेक्शन विल बी डन रिटन टेस्ट। आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया ना भैया, तो फिर आपका सिलेक्शन होना तय है। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका रिटन टेस्ट से। अभी देखिए हाल में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है ना, उन सभी में रिटन टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट के साथ साथ में वो स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार का ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं होगा, केवल रिटन टेस्ट होगा। यहीं से फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा। तो आपका अगर थ्योरी कंप्लीट है, आपका नॉन टेक थोड़ा सा कंप्लीट है, तो आप इस नौकरी को ना आसानी से ले सकते हैं इस बेरोजगारी में, है ना। तो देखिए आपके लिए कहा जाए तो एक ऑफर ही है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग क्वालिफाइंग परसेंटेज है, जैसे कि यूआर और ओबीसी को 60% लाना जरूरी है और एसटी एससीपीडब्ल्यूडी को लाना जरूरी है 50%, है ना। आप इतना लाएंगे तब क्वालिफाइंग परसेंटेज के अंडर में आएंगे। इसी के साथ में थोड़ा सा सिलेबस पे हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है ना। दी रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 2 पॉइंट यानी कि 2 हाफ आवर्स है, 2.5 घंटा आपका एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम ना 3 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में, ये 3 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट किसका है, तो पहला पार्ट यहाँ पर देखिए, पहला पार्ट है कंसिस्टेंस ऑफ 20 क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस के। किसके आएंगे, जनरल अवेयरनेस के। सामान्य तर्क शक्ति के 20 प्रश्न आएंगे। और पार्ट सेकेंड में क्या आने वाला है, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 20 इंग्लिश के और 20 रीजनिंग के। ये तो आप तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग भी आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश भी आप पढ़ते होंगे, जनरल अवेयरनेस भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो ये 40 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। और जो थर्ड पार्ट है आपका, ये रहा थर्ड पार्ट। इसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, डिसिप्लिन यानी कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिटर से करेंगे तो फिटर का 100 नंबर आएगा, इलेक्ट्रीशियन से करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का 100 नंबर आएगा, और डिप्लोमा सिविल से करेंगे तो सिविल का 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये है आपके 3 पार्ट्स में आपका सीबीटी एग्जाम होना है। और सीबीटी एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो ये नौकरी आपके हाथ में है और आप एरोप्लेन बनाएंगे, है ना। कितनी खुशी की बात है, आप एरोप्लेन बनाएंगे, ठीक है ना। वैसे आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं टीओ को छोड़ करके आप मेंटेनेंस का ही काम करते हैं, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे इस एचएल के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, है ना। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी तैयारी होगी, और तैयारी तभी होगी जब आपने मेहनत किया होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए इसमें कोई खास रहता नहीं, क्योंकि आप ऐसा कुछ भी इसमें स्टैंडर्ड नहीं है कि आपका A1, B1, C1 क्लास का मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए तभी आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। बस आप देखिए आपकी जो बॉडी, आपका जो हेल्थ है ना, ये बस ठीक ठाक होना चाहिए, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सके, है ना, आप प्रोडक्शन का काम कर सके, ऐसा आपका शरीर होना चाहिए, बॉडी हेल्थ होना चाहिए। बस आप मेडिकल समझिए, सब आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसी के साथ में अप्लाई कैसे कैसे करना है, तो अप्लाई देखिए एचएल का ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा आप और अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 15 मई 2023 से। और ये फॉर्म देखिएगा फॉर्म अप्लाई ये कब तक होगा, यहां पर डेट इन्होंने मेंशन किया है 24 मई 2023 का लास्ट डेट है, और 15 मई 2023 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और जनरल कंडीशंस है कुछ यहां पर, जैसे कि वही ना कहा जाता है कि जब भी आप किसी रिक्रूटमेंट को अप्लाई करो तो उससे पहले इसके नियम शर्त नोट्स क्या है सारे ये क्लियर होने चाहिए आपके। तो इस जनरल कंडीशंस को पहला पॉइंट है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, केवल इंडिया के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इंडिया के अलावा अदर कंट्री के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल यही था, देखिए इसका पैटर्न जो भी था वो सब कुछ आपके सामने रखा गया, हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया आपके साथ, हर एक पॉइंट को
डिटेल रूप से समझा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और इसमें एज क्राइटेरिया, एज लिमिट वगैरह क्या है। तो ये रहा दोस्तों एचएल के तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया था, यानी कि वैकेंसी में कोई कमी नहीं है, देखिए है ना, हर डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाल रहा है रेलवे के छोड़ करके, है ना। और एमपी में भी कुछ वैकेंसी है जो काफ़ी दिनों से नहीं आई हुई है, अब एमपी को भी वैकेंसीज पे ध्यान देना चाहिए, विद्युत विभाग की, चाहे वो जनरेशन प्लांट की हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट की हो, वैकेंसी को जरूर रिलीज करना चाहिए। देखिए क्या एक क्या है ना कि एक युवा जो है ना अपना पूरा करियर दाव पे लगा देता है, एक सर्विस को ले, एक नौकरी पाने के लिए अपना पूरा करियर दाव पे लगा देता है। आईटीआई यानी कि कोई सा भी कोर्स हो, मैं आईटीआई ही नहीं कह रहा हूं, कोई सा भी कोर्स हो, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो तैयारी जी जहान से करता है ना, पूरे शिद्दत से करता है मेहनत। और जो वैकेंसी है, इतना लेट वैकेंसीज आती हैं, और लेट वैकेंसी का सीधा सीधा असर पड़ता है एज पर। जो एज है ना वो तो हर दिन निकल रही है, वो तो हर मिनट एज में एज बढ़ रही है, तो एज जो है ना वो कहीं ना कहीं एज में दिक्कत आ जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपका एज इस मोड़ पर पहुंच जाता है कि आपका मन जो है ना वो फिर टूट चुका होता है किसी वैकेंसीज को लेकर के। और एक बार मन टूट गया ना लाइफ में, तो केवल किसी सर्विस को ही लेकर के नहीं, दूसरे काम में भी फिर मन नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो, है ना। तो एक बार मन टूट गया, दिल टूट गया, तो फिर वैकेंसी यानी कि जॉब के अलावा दूसरे जगहों पे भी मन नहीं लगता है, ठीक है। तो वैकेंसी को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को निकालना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उनको। तो चलिए ये वैकेंसी है, आप इसका जो क्राइटेरिया जो रखा गया है ना, ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते होंगे तो वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। 4 साल ही सही, लेकिन 4 साल के लिए तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, 4 साल तक कम से कम आप एम्प्लॉय रहेंगे। और जो हो सकता है, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि 4 साल तक ही इनका टेन्योर बेसिस है, जो टेन्योर बेसिस का जो टाइम पीरियड है, हो सकता है आने वाले टाइम पर इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो फिर ये आपको जो ये 4 साल का आपका टेन्योर बेसिस पीरियड है, इसको बढ़ा भी सकते हैं ये, ठीक है ना। तो जो भी इनका क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया अगर आपके पास होगा तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस प्रकार का इंफॉर्मेशन का अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम दे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं एक ताजा और फ्रेश क्वेश्चनों के साथ, एक ताजा और फ्रेश क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।